आवर यूट्यूब चैनल आई एम एस के मिश्रा। आज हम क्लास 11th लेक्चर 2 लेकर के आपके सामने आए हैं और इस लेक्चर में हम आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th इज द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। आप जानते हैं कि ये हमारी जो अर्थ है इस पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दो कैटेगरी के सबस्टेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्जेक्ट्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये दोनों एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट या एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। और ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या तो लिविंग होंगे या तो नॉन लिविंग हो सकते हैं। और अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स शो होंगे जैसे कि वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं एंड सो मेनी ऑन, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस इसमें हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, विच कैन ग्रो मीन्स इनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, बॉडी मास जो होता है उनका डेवलप करता है। और क्या होता है इसमें, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की भी प्रोसेस होती है मीन्स ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करते हैं अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो। और अगर इसमें हम प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और नाइट टाइम में जो है ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डे एंड नाइट दोनों टाइम में ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म वैसे देखा जाए तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स होता है, वो होता है ग्रो करने का। सेकंड करेक्टर्स क्या होता है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। थर्ड हो सकता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी जैसी लिविंग थिंग्स को या अपनी जैसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। ये करेक्टर्स होता है लिविंग थिंग्स का। एंड फोर्थ इज मूवमेंट, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ए ऑल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शंस सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिज्म। दीज बायोकेमिकल रिएक्शन लीड्स टू द
ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब नॉर्मली आप जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वह एनर्जी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के थ्रू आती है। वैसे बेसिक तौर पे देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। दो प्रोसेस इसमें आती हैं, एक तो आता है मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? पहले हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे कि क्या होता है एनाबॉलिज्म और क्या होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो है ये एनर्जी फॉर्म करता है, मींस वैसे बेसिक तौर पे देखा जाए तो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम प्लांट में देखते हैं तो एक प्रोसेस के बारे में आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वाटर रूट्स से लेते हैं, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सनलाइट और क्लोरोफिल जो प्लांट्स में पाया जाता है। आपको पता है कि क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। प्लांट की जो सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट करके पिगमेंट पाया जाता, सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, उसमें एक पार्ट होता है क्लोरोफिल जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देता है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट का यूज़ करके एट ए एनर्जी लेवल, एनर्जी की तरह यूज़ करके का ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ये फॉर्म करते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का क्या बनता है यहाँ पर? ये क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? प्लांट। प्लांट एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या आप करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं इन्वायरमेंट से, वाटर लेते हैं ये रूट से, सनलाइट इनको प्रॉपर डे टाइम में मिलती है, क्लोरोफिल इनके सेल्स में प्रेजेंस होता है, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट, और इसके थ्रू ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो है वो ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनती है जो कि ये इन्वायरमेंट में बाहर कर देते हैं, और वाटर को वाटर वेपर्स के रूप में, जो वाटर यहाँ पर मिलता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वाटर वेपर के रूप में ये बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका ये यूज़ करते हैं, और यूज़ करके यहाँ पर एनर्जी फॉर्म करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी का स्टोर होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। दूसरी बात करें अगर हम कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या नॉर्मल में क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर की होती है, जो एनर्जी हम स्टोर किए होते हैं उसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है। और इसमें अगर हम समझे तो इसमें आता है रिस्पायरेशन प्रोसेस। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज अभी आपने देखा प्लस 6O2 प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स की हेल्प पे, यहाँ पर एंजाइम्स कुछ होंगे जो कि हेल्प करेंगे, और उसके थ्रू ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? C6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी।
स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो फूड या जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया गया था, वह कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और इससे कुछ मात्रा में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका ये अपने वर्क में यूज करते हैं। तो एनाबोलिज्म, जैसा कि आपने देखा था कि स्टूडेंट हम बता रहे थे एडॉप्टेशन के बारे में, एक हम जो नेचर है वो एक रूल बनाई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मींस एनवायरनमेंट में या नेचर में वही सर्वाइव कर सकता है जो कि पूरी तरीके से फिट होता है, जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को भी मेंटेन कर ले। अगर उसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेता है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वह एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के जैसे ही चलती हैं, वह नॉर्मली उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। तो इसके लिए वह पॉइंट आता है एडॉप्टेशन का। एंड एक और लास्ट पॉइंट आता है, वह आता है डेथ। नॉर्मली आप जानते हैं कि ईच ऑर्गेनिज्म फॉलो ए डिफिनिट लाइफ साइकिल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं सभी की जो लाइफ प्रायोरिटी है, जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पैन है, वह फिक्स होता है। आप जानते हैं कि किसी भी बेबी का अगर बर्थ होता है या कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो एक पॉइंट आता है बर्न का, जब उसका जन्म होता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, वह रिस्पायरेशन की प्रोसेस करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके बॉडी में होती है और ग्रोथ होती है और उसके साथ साथ वह यंग हो जाता है। एंड यंग होने के बाद उसकी बॉडी में और सारे चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है, वह अपने जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, या हम कह सकते हैं न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, या अपने जैसे एक न्यू ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस करता है और उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस आती जिसे हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज, वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं, सेंसेंट फेज हम जिसे कह सकते हैं, और उसके बाद आती है कि वह ऑर्गेनिज्म तब तक उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो न्यू इंडिविजुअल है यह फिर से इसी प्रोसेस को फॉलो करता है, इस न्यू इंडिविजुअल का बर्न होगा, जन्म होगा और उसके बाद वह यंग होगा, उसके बाद वह रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करेगा और वो फिर एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद जो पेरेंट्स होंगे उसके वह ओल्ड होंगे और लास्ट में उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में ये सभी प्रोसेस पाई जाती हैं। फिर से एक बार हम कवरअप करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में ग्रोथ जो है वो कंपलसरी होता है, उनकी बॉडी में ग्रोथ पाया जाता है। ग्रोथ आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्लांट में आपने देखा होगा प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह डिफिनिट नहीं होती है, वह लाइफ टाइम जो है उसके बॉडी मास में और उसकी शेप एंड साइज में ग्रोथ जो है वह कंटिन्यू चलती रहती है, प्लांट जो है वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है, बॉडी मास डेवलपमेंट होता है, वह एक निश्चित एरिया पर जाने के बाद वह धीरे धीरे रुक जाता है और उसके बाद उसका ग्रोथ जो है वह नहीं होता। तो उसके बाद आता है रिस्पायरेशन प्रोसेस। रिस्पायरेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑक्सीजन गैस, एनिमल्स जितने भी हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आउटटेक करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है बॉडी से बाहर करते हैं, और जिससे उनके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वह पाई जाती हैं और उससे एनर्जी फॉर्म होती है और उस एनर्जी का यूज़ वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ उसके बॉडी का डेवलपमेंट भी आगे होता रहता है। मूवमेंट, इसमें आप जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वह वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर सकता है, जा सकता है और कहीं से भी वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकता है। और आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मैंने आपको टू टाइप्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। एक था एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिसमें फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वह मिल करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और इसके साथ ही साथ एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है। तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनर्जी स्टोर होती है बट कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो स्टोर एनर्जी है उसका यूज़ किया जाता है, तो इसको कंपलसरी मिला करके बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और उसके बाद आता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में मैंने आपको बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को, अपनी एक्टिविटीज़ को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रखेगा वही एनवायरनमेंट में सक्सेस हो पाएगा, वही एनवायरनमेंट में लाइव रह सकता है। और एक लास्ट मैंने बताया कि डेथ एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इस अर्थ पर प्रॉपर चलती रहती है जिसमें किसी भी, सपोज दैट मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ हुआ और एक स्टेज आती है उसकी बॉडी में, ये सभी प्रोसेस होती हैं और आगे चल करके वह यंग होता है और उसके बाद वह रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद वह पेरेंट जो है वह ओल्ड होगा और लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल है उसकी एक न्यू लाइफ साइकिल जो है वह यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उसमें क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देख लीजिए। नॉन लिविंग मीन्स जिसमें नॉर्मली समझे कि नॉन लिविंग मीन्स जिसमें लाइफ की कोई लाइफ ही जिसमें नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसा कि मैंने लिविंग थिंग्स में आपको बताया कि उसमें ग्रो होती है, ग्रोथ होता है, रिस्पायरेशन होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, बट जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये सभी प्रोसेस जो है ये सभी एब्सेंट होती हैं। उसमें ना ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ना ही उसका ग्रोथ होता है, ना ही उसमें रिस्पायरेशन होता है, ना ही कोई मूवमेंट होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट हमें ऐसा लगता है कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम बात करें डिज़र्ट की, डिज़र्ट में हम देखते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए ये कोई डिज़र्ट है, अभी इसका कुछ ये ऐसा स्टेट है बट कुछ टाइम में देखेंगे कि ये जो पीक है इसकी, इसका मूवमेंट हो जाता है और ये कुछ प्लेस जो है रिमूव हो जाती है। बट ये मूवमेंट जो होता है ये विदाउट एयर, या हम कह सकते हैं कि बिना एयर के, बिना हवा की हेल्प से ये प्रोसेस नहीं हो सकती हैं। तो जो मूवमेंट होता है वह किसी ना किसी की हेल्प के थ्रू होता है, सेल्फ जो है नहीं होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि ग्रोथ की, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे पीक्स हैं या कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनमें देखा जाता है कि उनकी बॉडी जो है वो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। बट उसमें होता क्या है कि स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वो एयर के थ्रू आकर के उनके बॉडी पर एडजस्ट होते रहते हैं और धीरे धीरे कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है जिससे ऐसा लगता है कि उसकी ग्रोथ होती है। बट बहुत ही टाइम बाद उसमें धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं उससे ज्वाइंट होते रहते हैं और ऐसा लगता है कि उसकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे
जिसके अकॉर्डिंग हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को समझते हैं। और इसके बाद एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पर जो ह्यूज वैरायटी है, आप अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, और उसके अलावा एनिमल्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है लिविंग थिंग्स का, इसे ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मोर देन 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। कितना? 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन से भी अधिक स्पीसीज जो हैं वह इस समय आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, जिनकी खोज की जा चुकी है। और उसके अलावा दिस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 15,000 पर ईयर। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, आइडेंटिफाइड कितना है? 1.7 मिलियन, बट 15,000 पर ईयर जो है ये न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो रही है। 15,000 स्पीसीज जो हैं, जातियां जो हैं, वह हर साल नई डिस्कवर की जाती हैं, नई जो हैं वह खोजी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट अबाउट 5 to 30 million स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। अगर नॉर्मली हम देखें 5 to 30 million स्पीसीज, 5 to 30 million, तीनों को ध्यान से आप समझना। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं, उसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में अभी तक जो नोन स्पीसीज हैं उनके नंबर्स कितने हैं? 1.7 मिलियन जो अभी तक ज्ञात हुए हैं, जितनी स्पीसीज की खोज की जा चुकी है। और पर डे लगभग 15,000 पर ईयर जो है 15,000 स्पीसीज जो है पर ईयर जो है उनकी डिस्कवरी की जा रही हैं। और अभी तक ऐसा देखा गया है कि लगभग 5 to 30 million स्पीसीज जो है यह हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं। तो इसी लिए हम जो है एक वर्ड यूज़ किया जाता है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज जो है हमारे अर्थ पर रहती हैं। सो स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे अगर हम बात करें नीट और एम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 5 से 7 क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन से ही आते हैं। तो हम अगले वीडियो में क्लास 11th का ही अगला टॉपिक जो है वह लेकर के आएंगे। और जो स्टूडेंट नीट और एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी फार्मा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये अगला वीडियो जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।